नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे चन्ना को इस टैंक में आए हुए एक मंथ से ज़्यादा हो चुके हैं और ये काफ़ी हेल्दी दिख रही है। इसके जो चोट वाले मार्क्स थे हेड पे वो भी चले गए हैं। ये फीडिंग भी पावर ले रही है और कलर्स तो बिल्कुल लाजवाब है, आप खुद देख सकते हैं। और ये बिल्कुल शाई नहीं है। ये ना कैमरा से घबराती है और जैसा कि आप देख रहे हैं ये मेरे फिंगर के साथ भी अट्रैक्ट होती है, ना कि ये भागती है। तो इस तरह आपका चन्ना जो है वो बिल्कुल पेट डॉग की तरह ट्रेन हो सकता है। ये मेथड आप किसी भी चन्ना पे इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको रिज़ल्ट ऐसे ही मिलेंगे। चन्ना कछुआ चन्ना बंगाल ब्लू के नाम से भी बहुत फेमस है और आप कंफ्यूज ना करें, दोनों सेम ही होती हैं। जो बंगाल ब्लू होती हैं वो वेरिएंट्स सिलेक्टेड होती हैं और इनमें जो ब्लू कलर होता है वो बहुत ही प्रोमिनेंट होता है। और आपको मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि एरिया वाइज या फिर ये जहाँ मिलती हैं तो अलग अलग जगहों पे आपको चन्ना कछुआ में कुछ डिफरेंट दिखेगा और कोई भी दो स्टेट की जो चन्नास होती हैं वो एक जैसी नहीं दिखेंगे कछुआ के मामले में। और इसलिए आप बिल्कुल इसमें कंफ्यूज ना हो और कछुआ बंगाल ब्लू ये सभी एक ही होती हैं और लोकल लैंग्वेज में इन्हें चेंग बोला जाता है, जो कि हमारे यहाँ वेस्ट बंगाल में बोला जाता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपको अगर अच्छी लगी तो आप लाइक करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बिल्कुल शेयर करना ना भूलें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपनी सजेशन मुझे अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे बताएं, मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा कि आपकी टॉपिक को कवर कर सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।